रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको लिखा था डैनियल डिफो ने, और इसका फुल टाइटल है द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो ऑफ यॉर्क मरीनर, और ये पब्लिश हुआ था 1719 में। और ये कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। अलेक्जेंडर सेलकर्क नाम के एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, मगर 4 सालों के लिए, और यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो ने कुछ ज़्यादा ही समय एक आइलैंड में बिताया है। उसी किस्से को स्टार्ट करते हैं, यानी समरी को जान लेते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म 1632 में इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े होकर लॉयर बने, मगर बेटे का इरादा तो कुछ और ही था। वो समुद्री यात्राओं पे जाना चाहते थे और उनके पिताजी ने उन्हें वार्न किया था, बेटा मत जाओ, मगर वो उनकी बात नहीं सुनता है। एट द एज ऑफ 20 वो घर छोड़ देते हैं। फिर रॉबिन्सन क्रूसो का पहला जर्नी स्टार्ट होता है। वो लंदन तक पहुंचते हैं जहाज में करके, मगर ये यात्रा सुखद नहीं थी। ये एक तूफान की वजह से शिपरेक्ट हो जाता है, यानी डूब जाता है, और दूसरा एक जहाज उन सभी लोगों को बचा लेता है। तो पूरी यात्रा तो समंदर से नहीं हो पाई, इसीलिए वो रास्ता पकड़ के लंदन तक पहुंचता है और वहां जाके कुछ सामान खरीदता है ताकि वो उसे अफ्रीका में बेच सके। और वो अपनी अगली यात्रा करता है अफ्रीका तक और वहां से अच्छा खासा पैसा मुनाफा करके लाता है। और इस प्रॉफिट के बाद वो सोचता है कि ये तो व्यापार अच्छा खासा है, क्यों ना मैं मर्चेंट बन जाऊं, यानी समुद्री यात्रा करूं और अच्छे खासे पैसे कमाऊं। तो वो दोबारा लंदन से अफ्रीका की तरफ निकलता है, मगर इस टाइम उसे पायरेट्स पकड़ लेते हैं, यानी समुद्री डकैत पकड़ लेते हैं, और उसे एक प्रिजनर बना दिया जाता है। प्रिजनर के साथ साथ उसे स्लेव भी बनाया जाता है। समुद्री डकैतों का जो कैप्टन था वो उसे अपना पर्सनल स्लेव बनाता है 2 सालों के लिए। उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। वो वहां से अकेले नहीं भागा था, जूरी नाम का एक और स्लेव था, वो भी उसके साथ भाग जाता है। भाग तो जाते हैं, मगर उसके बाद भटकते रहते हैं इधर उधर, उन्हें पता ही नहीं कि किस तरफ जाना है। उस वक्त उसे एक शिप दिखाई देता है जो एक पोर्तुगल का जहाज था, यानी पोर्चुगीज शिप था, और वहाँ का कैप्टन बहुत ही काइंड हार्टेड था। वो ब्राज़ील की तरफ वो शिप जा रही थी, तो उस शिप में उन दोनों को चढ़ा लिया जाता है। साथ में उनका एक छोटा सा बोट भी था, वो भी उस शिप में चढ़ा लिया जाता है। और जब वो लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो जूरी को बेच देता है। यानी ब्राज़ील पहुंचने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो जूरी और साथ में जो छोटा सा एक नाव था उसे उस कैप्टन को दे देता है जो पोर्चुगीज शिप का कैप्टन था। छोटी नाव और जूरी को बेचने के बाद उसे जो पैसा मिला था वो उन पैसों से ब्राज़ील में शुगर केन की खेती शुरू कर देता है और इस खेती से अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। ब्राज़ील में और भी कुछ ऐसे बंदे थे जो शुगर केन के प्लांटेशन में बिजी थे, तो उनके सजेशन के तौर पे वो लोग कहते हैं कि अगर तुम अपने यहाँ पे स्लेव्स रखोगे तो और भी ज़्यादा मुनाफा कर पाओगे, तो क्यों ना हम लोग स्लेव्स खरीद ले। ये आइडिया रॉबिन्सन को बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो सोचता है कि चलो मैं भी स्लेव खरीद लेता हूँ और मुनाफा बढ़ा देता हूँ। तो इस वजह से वो सोचता है चलो स्लेव खरीद ही लेते हैं। तो 11 पार्टनर्स के साथ वो एक नए जर्नी में निकलता है ताकि अफ्रीका और उसके आसपास के आइलैंड से कुछ स्लेव्स को खरीदा जा सके। मगर रास्ते में एक भयंकर तूफान आता है जिस वजह से उनका जो जहाज है वो डूब जाता है, बट लकीली वो बच जाता है और एक किनारे में आके पहुंचता है कि आइलैंड के किनारे में एक ऐसा आइलैंड जो पूरे तरीके से रिमोटेड है और आइसोलेटेड आइलैंड है, यानी वीरान और मेनलैंड से बहुत दूर। मगर उस किनारे से वो अपने टूटे हुए जहाज को देख पा रहा था, तो वो उस जहाज से जरूरी कुछ सामान लेके आ जाता है, जैसे कुछ कपड़े, बंदूक, कील, बाइबल और कुछ खाने के सामान, और अपने रहने लायक समुंदर के किनारे ही एक झोपड़ा बना लेता है। और वो अपने लिए एक कैलेंडर बनाता है लकड़ी पे जो कुछ क्रॉस जैसा दिखता था। नेक्स्ट वो हैरान हो जाता है जब देखता है राइस और बार्ली स्पाउट हो चुके हैं, यानी पौधे निकल आए हैं राइस और बार्ली से जो वो जहाज से एक टाइम लेके आया था। वो सोचता है कि ये गॉड्स की ब्लेसिंग है और इसके जरिए वो नए तरीके से खेती शुरू करता है और खेती में उसे सफलता भी मिलती है। वो कड़ी मेहनत करके फसल उगा ही लेता है, मगर कुछ समय बाद वो बीमार पड़ जाता है और उसे एक डरावना सपना भी आता है जिसमें वो देखता है कि एक आसमान से कोई इंसान उतरा है और उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। फिर अचानक वो उठ जाता है और उसे महसूस होता है कि वो एक सपना देख रहा था, मगर इसके जरिए वो ये समझ जाता है कि वो गॉड को प्रे नहीं कर रहा है, इस वजह से वो बहुत ही पापी बन चुका है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो रेगुलर एक पेज या उससे ज़्यादा बाइबल पढ़ेगा।
और वो धीरे धीरे अपने बीमारी से लड़ के स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद वो एक दिन अपने आइलैंड के चारों तरफ घूम रहा था तो उसे एक बहुत ही सुंदर सा प्लेस दिखाई देता है जहाँ पे वो देखता है ढेरों फल है। उस जगह पर वो अपना एक और हट बना लेता है यानी झोपड़ा बना लेता है। इस बीच उसने इस रिमोटेड आइलैंड में एक साल बिता लिया। एक साल वाले दिन वो उपवास रखता है। उसने एक साल में बहुत कुछ सीख लिया, उसने एग्रीकल्चर कर लिया, वो जानवर पालता है, वो मिट्टी के बर्तन भी बना लेता है। इसके साथ साथ उसने अपने लिए एक नाव भी बनाया है ताकि वो मौका मिलने पर इस आइलैंड से निकल सके, मगर अफसोस की बात है वो कभी निकल ही नहीं पा रहा था। हालांकि वो इस आइलैंड में खुश था, मगर एक दुर्घटना तब घटती है जब वो एक बड़ा सा ह्यूमन फुटप्रिंट देखता है यानी पैर के निशान दिखाई देते हैं आइलैंड में, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो अकेले ही इस आइलैंड में रहता है। वो सोचता है कि ये आइलैंड में जो फुटप्रिंट है ये किसी कैनिबल का होगा यानी जो लोग इंसान का मांस खाते हैं। कुछ दिनों बाद वो देखता है अपने ही आइलैंड के ऑपोजिट में कैनिबल्स को जो डांसिंग कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ लोगों को मार के खा रहे थे। ये सब देखने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो डर जाता है। कई साल गुजर जाते हैं, इसके बाद वो कभी भी कैनिबल्स को नहीं देखता है। इसके बाद 23 साल गुजर चुके हैं इस आइलैंड में उसको, और वो पूरे तरीके से कैनिबल्स के बारे में भूल चुका है। इसके साथ साथ एक और उम्मीद वो छोड़ चुका है कि वो कभी मेन आइलैंड तक पहुंच पाएगा यानी ह्यूमन सोसाइटी के साथ कभी भी उसका रिश्ता बनेगा। मगर अब की बार वो फिर से कैनिबल्स को देखता है जो कुछ प्रिजनर्स को लेके आए हैं यानी कुछ कैदियों को लेके आए हैं। उनमें से एक कैदी रॉबिन्सन की तरफ भागता है। रॉबिन्सन भी उसकी मदद करता है। कैसे? वो कैनिबल्स को गोली मारता है और जो कैदी उसकी तरफ भाग के आया था जिसने उसे बचाया वो उसके लिए स्लेव बन गया। वो उस स्लेव को एक नाम भी देता है, वो एक यूनिक सा नाम था फ्राइडे, क्योंकि वो दिन फ्राइडे था इसलिए उसका नाम भी फ्राइडे रख देता है। वो उसके साथ अच्छा खासा टाइम बिताता है, बातें कर पाता है क्योंकि इससे पहले वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था। अब की बार वो फिर से इस आइलैंड से निकलने का सोचता है क्योंकि फ्राइडे उसकी मदद कर सकता है, मगर दुख की बात तो यह है कि कैनिबल्स फिर से आ जाते हैं और बहुत सारे कैदियों को लेके आते हैं उन्हें मार के खाने के लिए। अब की बार क्रूसो और फ्राइडे दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं और बहुत सारे प्रिजनर्स को बचा लेते हैं। उनमें से एक आदमी फ्राइडे का पिता था। अब ये तीनों क्रूसो, फ्राइडे और फ्राइडे का पिता एक ही साथ रहने लगते हैं। अब की बार इस आइलैंड के पास एक जहाज दिखाई देता है जो एक इंग्लिश शिप था यानी अंग्रेजों का शिप। इस जहाज को देखने के बाद रॉबिन्सन के मन में एक उम्मीद जागती है कि वो यहाँ से निकल पाएगा, मगर इस जहाज में तो अलग ही प्रॉब्लम था। यहाँ के क्रू मेंबर और कैप्टन के बीच झमेला हुआ था और क्रू मेंबर्स ने मिल के कैप्टन को इस आइलैंड में छोड़ देने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये आइलैंड पूरे तरीके से वीरान है। जो जहाज का कैप्टन था उसे नीचे उतार दिया जाता है और अब रॉबिन्सन क्रूसो कैप्टन की मदद करता है और लड़ाई करता है क्रू मेंबर्स के साथ। फ्राइडे का पिता, कैप्टन सभी मिलके शिप को फिर से दोबारा जीत लेते हैं। जीतने के बाद कैप्टन प्रॉमिस करता है कि वो उसे इस आइलैंड से निकाल लेगा। आपको बता दूं कि अब तक 28 साल बीत चुके हैं रॉबिन्सन क्रूसो को इस आइलैंड में। तो चलिए अभी वो निकल चुका है इस आइलैंड से और अपने देश चला जाता है, मगर जाने के बाद वो बहुत ही हैरान हो जाता है, सोसाइटी में बहुत बदलाव देखता है और ये भी जानने में मिलता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और उसकी जितनी भी बहनें थी सबकी शादी हो चुकी है और इस बार वो खुद भी शादी करता है। जब वो लंदन पहुंचता है तो उसे जानने को मिलता है कि शुगर कैन प्लांटेशन के जरिए उसने अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लिया है। वो अभी बहुत ही अमीर व्यक्ति है, मगर फिर से उसे उम्मीद जागती है कि चलो पैसे तो बहुत हो चुके, दोबारा घूम के आते हैं उसी आइलैंड में जहां उसने इतने साल बिताए। मगर अब की बात जब वो जाता है तो देखता है कि पूरे तरीके से आइलैंड बदल चुका है, वहां पे कॉलोनी स्थापित हो चुकी है। तो दोस्तों यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक बटन दबा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।